हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता जम्मी रेसिपीज। तो दोस्तों, आम का सीजन हो और हम आम रस न खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। जो मैंगो लवर्स होते हैं उनको तो आम रस और गर्मा गर्म पूरियाँ मिल जाए तो जैसे स्वर्ग मिल जाता है। तो आज हम भी आम रस ही बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने आम को 2 घंटे पानी में भिगो कर रखा है। आम को पानी में भिगो कर रखने से आम की जो गर्म तासीर होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने केसर आम लिए हैं। आप अपने पास जो भी आम अवेलेबल हो उस आम का रस बना सकते हैं। केसर आम का रस बहुत ही बढ़िया बनता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ हमें पहले आम को घोल लेना है। तो आम को घोलने से अंदर से आम सॉफ्ट हो जाता है और इसका रस बहुत अच्छा निकलता है। तो आप देखिए, अंगूठे की हेल्प से हमें दोनों तरफ घुमाते हुए आम को घोल लेना है। इससे आम सॉफ्ट हो जाएंगे और पूरा रस अंदर से अलग हो जाएगा। इसके बाद हमने ऊपर से जो डंठल है उसको निकाल लेना है और उसके अंदर से जो भी पल्प है वो हमें बाहर ले लेना है और गुठली को भी हमें अच्छे से स्क्वीज करके इसका पल्प अलग कर लेना है। ओरिजिनली इसी तरीके से आम का रस निकाला जाता है, बट आजकल हम लोग मैंगो का स्किन निकाल कर उसके पीसीस करके भी मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। पर इस तरीके से रस निकालते हैं तो बहुत अच्छा रस निकलता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे मैंगोस के पल्प निकाल लिए हैं और गुठली को भी अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। अलग अलग मैंगोस की वैरायटी होती है और अलग अलग टेस्ट होता है। तो केसर का आप रस बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे मैंगोस के पल्प निकाल लिए हैं। स्किन पे जो थोड़ा बहुत पल्प रह गया है उसे भी हम चम्मच की हेल्प से निकाल लेना है, बिल्कुल हमें छोड़ना नहीं है। तो आप इस तरीके से देखिए, चम्मच की हेल्प से आप इसका पल्प अलग कर सकते हैं और ये स्किन देखिए अभी आप एकदम क्लियर हो गया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे मैंगोस के स्किन भी क्लियर कर लिए हैं। तो अभी हमारा सारा पल्प निकल चुका है। तो अभी आप मैंगो का स्वीटनेस चेक कर सकते हैं, कैसा है, कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से हमें शुगर ऐड करना है। मैं करीब यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि यह ऑलरेडी स्वीट मैंगोज़ है। तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी एक ब्लेंडर की हेल्प से मैं पल्प को स्मूथ कर लूँगी। अगर आप ब्लेंडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इस तरीके से एक स्ट्रेनर से भी आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लेंडर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें इसे अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो अभी ये स्मूथ हो चुका है। तो हम अभी ये आमरस को चिल्ड होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और जिस टाइम पे हमें इसे खाना है उसी टाइम पे हमें इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है। अगर आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर मेरे घर पे एज इट इज़ ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं करीब 2 से 3 टेबलस्पून ही दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने से इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें सर्विंग के टाइम पे ही थोड़ा सा दूध ऐड करना है, नहीं तो आम रस का कलर काला हो जाता है। तो अगर आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। गुजरात साइड आप जाएंगे तो आमरस में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर भी ऐड किया जाता है। तो भी हमारा आमरस तो रेडी हो चुका है। तो भी हमने गर्मा गर्म पूरियाँ भी बना ली हैं। तो अगर आप चाहे तो आमरस और पूरी के साथ कॉम्बिनेशन में आलू की सब्जी भी ऐड कर सकते हो। तो भी हमारा ठंडा ठंडा आमरस और गर्मा गर्म पूरी रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है ये मुझे ज़रूर से बताएं। और मुझे पता है आपको भी ये आमरस और पूरी देख के खाने का बहुत मन कर रहा है, बट आप वेट किस बात का कर रहे हो। जल्दी से जाए और आमरस बनाए और अपने घर पे एंजॉय करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठकर। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।